राधा, स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने ही घर के बरामदे से ही कर रही हूँ, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं मॉर्निंग से ही कर रही हूँ, तो वो वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, छोटे को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइस कैसे हैं आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे ना मेरे घर में थोड़े से चावल वगैरह है ना, जो धान के कट्टे, तो ये भी रखे हुए हैं। तो फिलहाल इसको ठिकाने मुझे लगाना है, तो मैं उसको ना बाद में लगाऊंगी। तो मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, और वो मेहमान कौन है आप उनसे ना भली बात ही परिचित हैं। तो मेहमान आए हुए तो ऑफकोर्स मेरे मायके से ही आए और वैसे ना चाय नाश्ता मैंने बना दिया है, तो अभी वो चाय नाश्ता कर रही हैं। तो आइए मेरे पीछे पीछे और मैं उनसे आपको मिला देती हूँ। तो यहाँ पे सिफारती नाश्ता कर रही है, चाय नाश्ता, ब्रेड साथ में अचार, आधा तो इसने खा लिया। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, कल रात की क्लिप है, क्योंकि बहन आई हुई थी ना, तो मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो ले लिया था। तो यहाँ पे बहन मेरे साथ बातें वगैरह कर रही थी, और उसके कुछ कपड़े थे तो वो भी अपने बैग में से निकाल रही थी, तो साथ के साथ मैं उसे बातों में भी लगा रखा था मैंने, और उसके लिए अलमारी में भी एक कॉर्नर खाली कर दिया था मैंने कि वो अपने कपड़े वगैरह रख ले। अभी मैं मिल रही हूँ आपको खाना पीना बनाने के बाद में। तो अभी खाना वाना बना दिया है, और फिलहाल बहन नहाने गई हुई है, तो इतने में मैंने मतलब बहन नहाने जाने से पहले ना मैंने ये मशीन नीचे रखवा ली है, क्योंकि उसको ना सिलाई करनी थी, तो वो कुछ आई इसी पर्पज से है। तो यहाँ उसने मशीन जो है ना नीचे निकलवा दी है, क्योंकि ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ऊपर मतलब ज़्यादा देर तक बैठना ठीक नहीं है, और मैं भी सीढ़ी में ज़्यादा चढ़ती नहीं हूँ आजकल, तो मैंने मशीन नीचे निकलवा दी है और वो नहाने गई हुई है। नहाने धोने के बाद में वो आएगी और सिलाई करेगी, तो आज का दिन मेरा उसके साथ ही बीतने वाला है। तो चलिए जी, अब आपको ना उसको दिखाएंगे कि वो कैसे सिलाई करती है, क्योंकि उसको अभी सिलाई वलाई करना आता नहीं है, तो उसको सिलाई सिखाना मतलब सिरदर्दी है, तो देखते हैं कि कैसे वो सिलाई कर पाती है, मतलब मेरा कितना दिमाग खाती है। तो चलिए जी, दोपहर का खाना वाना खाने के बाद अभी बहन बैठ गई है मशीन में, और वो ना अपने सूट को स्टिच कर रही है, तो मैं उसको बताती हूँ, और नहीं बताऊँगी तो वो सिल भी नहीं पाएगी, तो मैं उसके साथ ही रहूँगी। ऐसे कैसे सीख जाएगी 4 दिन में, यहाँ मुझको 6 महीने लगा सीखने में, और ये 1 दिन में 2 दिन में कह रही कि मैं सीख जाऊँ, तो कैसा हो सकता है भाई। आधे और वापस लेगा डबल मार, डबल थोड़ी सी मार, क्योंकि वहाँ से उधर जाता ना। हाँ, तो कुछ ऐसी है ना, ये सिलाई करते करते भूल जाती है कि हाथ उधर लगाना है कि उधर लगाना है, इसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या सिल रही हूँ। अब ये अनाड़ी आदमी है। ऐसा है ना, अनाड़ी आदमी है और बैठ गई है सीधे टेलर मशीन में, तो कैसे इंसान एकदम से सीख रहा है। छोटी वाली मशीन होती चक्के वाली, तो उससे सिल लेती तो थोड़ा आसान भी होता। अब ये मेरी मशीन में तो चक्का आया ही नहीं था, इसकी पैदाइश से ऐसी है क्योंकि इसमें चक्का ही नहीं आया था, तो मैं इसको चक्के में निकाल ही नहीं सकती हूँ। अम्ब्रेला मशीन है भाई, तो सीधे सीधे इसने पूरा मतलब बैठी ना बैठी सीधे अम्ब्रेला मशीन में ही बैठ गई है। वैसे पहले तक तो इसको ना ये मशीन में बैठना भी नहीं आता था, मतलब आधा टाइम तो इसने मशीन सीखने में ही गुजार दिया, उसके बाद इसने सिलाई की है, तो अब फिलहाल ये सीख गई है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे मेरी मशीन का ख़राब ना कर दे, पर फिलहाल ये जल्दी सीख गई है ना स्वार्थ। ओके, तो
बहुत देर में सीख पाई है, पर सीख गई मशीन चलाना। मुझे तो यही डर लग रहा था कि भाई ये मेरी मशीन उसी ना खराब कर दे पर इसने सिल दिया है काफी आज, है ना। ये सूट इसको होने को जा रहा है, बस बाजू रह गई है तो बाजू लगाएगी अब ये, लेकिन बाजू मुझे ही लगानी पड़ेगी, ये बस खाली बाजू को सिल रही है। कई लोगों से ऐसा होता है ना, शुरू शुरू में पहले मुझसे भी बाजू नहीं लगती थी, फिर मैं धीरे धीरे सीख गई अब परफेक्ट हो गई। और ये भैया अभी नहीं है तो कुछ दिनों तक ये आपको मेरी ब्लॉग में दिखती रहेगी, क्योंकि ये यहाँ आई है मेरे घर में रहने के लिए, साथ में अपने कपड़े वगैरह स्टिच करने के लिए। कहाँ हाथ तो इसको ये भूल जाती है भाई कि कैसे क्या करना है। तो देखिए गाइज, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, आपको नजर आ रहा है? तो ये देखिए, यहाँ पे है बंदर जो कि भैया के टैंक में लेटा पड़ा, और ये कितना गंदा टैंक हुआ पड़ा है, देखो तो सही। तो भैया हमारा टैंक ये है, और भैया के टैंक पे ये देखो बंदर लेटा पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है, सो रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये देखिए आज का मौसम। तो अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, और यहाँ देखिए भाई सूर्यास्त होने को है, सूरज डूबने ही वाला है, और मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, और ये बंदर अभी तक यहाँ से हिला नहीं है, मतलब टस से मस नहीं हुआ है अभी तक बंदर। हाँ अभी हम आए थे छत में पानी डालने के लिए, तो मैं बंदर दिखाने के लिए मैंने कैमरा ले लिया, और बाकी अभी बहन जो है ना वो पानी वगैरह डाल दी है पौधों में, आधा तो मैंने डाल दिया है, यहाँ सब मैं डाल के आ गई हूँ, यहाँ रह गए हैं, और बाकी के जो वहाँ पे है ना तो वहाँ पे भी रह गए हैं। ओहो अदाएं देखो इसकी। तो देख लो भाई अदाएं दिखा रही है पौधों में पानी डालते डालते। तो मैं आपको नींबू दिखाऊं, मेरे नींबू देखो कितना बड़ा सा हो गया है ना, और काफी सारे लगे हुए हैं, देखो ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, और पीछे भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो ये मैंने एक क्या बोलते हैं इसको, ड्रम, उसमें ही मैंने उसको उगा रखा है, छोटा सा है पर कोई नहीं, इतना छोटा सा प्लांट है और फल दे रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और अनार में फ्रूट नहीं आए हैं, फूल तो बहुत ज़्यादा बने थे पर हवा इतनी चलती है ना कि सारे ही झड़ गए। फटाफट से खाना वाना बना लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। हम लोग मस्ती कर रहे थे छत में, और आज मैंने जो मशीन है ना मेरी नीचे शिफ्ट कर रखी थी, क्योंकि बहन ने आज कपड़े सिले हैं सारा दिन, और ये इतना दिमाग खाती है ना बहुत ज़्यादा, तो भाई इसने पर जैसे तैसे करके इसने एक सूट फिटिंग कर लिया है, और एक सूट इसको इसने आधा सिल लिया है। और यहाँ पे मेरे चावल के कट्टे वगैरह रखे हुए थे जो कि भाई सवेरे लेकर आया था, वीडियो मैंने नहीं बनाई उस टाइम। तो चलिए भाई फटाफट से खाना वाना बना लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बहन भाई आटा गूंद रही है, मैंने इसको काम दे दिया है आटा गूंदने का, स्वाती देख तो स्वाती। और मैं यहाँ पे सब्जी में तड़का लगाने वाली हूँ भाई, ये रखी है सब्जी और इसमें लगाऊंगी तड़का, और उसके बाद धुलने हैं बर्तन, इतने सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो फिलहाल अभी हमने रात का खाना भी बना लिया है, और साथ ही फिर से बैठ गई है मशीन में, इसको ना आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं धुन लग गई है कि क्या है कि आज मुझे सिलना है। तो ये लगी हुई है देख लो भाई मशीन में। ये आधा सिल चुका है इसका, और बाजू रह गई है तो इसको बता रही हूँ, तो देखो भाई सिल रही है, सीख रही है, सीख देख लो मैडम है? निशान लगाऊंगी ना पहले, अगर तुम बुक लेके आते रहे उस सूट। अब चौक लेने गई है भागते भागते, इसने सिल दिया है, इसमें निशान निशान लगा गई हूँ, अब मैं निशान लगा के इसको दूंगी तो ये यहाँ से ना ऐसे सिलाई लगा देगी, उसके बाद बाजू मैं जोड़ूंगी।
तो चलिए जी, स्वाति ने तो अपना काम कर लिया है, लेकिन अब बाजू को जोड़ने का काम रह गया है ना, तो उससे जुड़ नहीं पाएगी बाजू, तो इस वजह से मैं बैठ गई हूँ मशीन में। अब फटाफट से इसका सूट पूरा करके इसको दे देते हैं और ये खुश हो जाएगी। कैसा लमक रही है ये। देख ले ऐसे जोड़ते हैं, जो अधिक सीधा है ना बाजू में सीध कर लो, और जो उल्टा है मतलब ये जो सूट है तेरे, हाँ जो तो पता है लड़का सीध कर का उल्टा जोड़ना होता है। देख जो सिलाई है, जो सिलाई जगह ऐसे मिला देगी ना, जो ऐसे रखी ऐसे बराबर करी, बाकी जो कपड़ा है ना एक कपड़ा का ऐसे मोड़ देगी, एक कपड़ा का ऐसे ऐसे ना मोड़ देगी, ऐसे मोड़ देगी। आंखों में मेरे आंसू आ गए, देखो रो रही हूँ कि हंस रही, पता नहीं चलता। अब ये हमारा फोटो खींच रहा था यहाँ पे, तो इसने मुंह कैसा कैसा बना दिया, और मेरा हंसने पे ज्यादा हंसू हो गया, क्या रोना रोना जैसा मुंह हो जाता है, खाली हमको कितनी बकवास लग रही है। देख लो चुड़ैल 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 जैसे करता। मम्मी उस बात ही कितनी नौटंकी करते तू, चल झाड़ लगा दे फटाफट। तो भैया सिलाई विलाई कर ली है, अब ये झाड़ू वाड़ू लगा रही है यहाँ पे, इसी से लगवाऊंगी, तू ही लगा। तो चलिए जी, मैं ना अभी एक दो जो कमेंट है जो लगातार मेरी वीडियो में आते रहते हैं, तो उसको मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे है गौरव सिंह, जिन्होंने पूछा हुआ है कि आपका मायका कहाँ पर है, तो मैं वीडियो में बताना जरूरी समझ रही हूँ, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं ना वो मेरे मायके के बारे में पूछते रहते हैं। तो मेरा मायका है पूरनगढ़, जो कि नानक माता में ही आता है। पूरनगढ़ के आगे मतलब जो नहीं जानते हैं ना, तो नौकजा के नाम से भी जानते हैं अधिकतर लोग, और वैसे पूरनगढ़ है मेरा मायका। तो अब उम्मीद है कि अब सबको पता चल ही गया होगा कि मेरा मायका कहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन है निकिता देवी 9165 का, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप कौन सी जगह रहते हैं नानक मता में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नानक मता में मेरा जो ससुराल है वो गुरुद्वारा जो गेट है ना वहाँ पे अनाज मंडी है, तो अनाज मंडी के पास ही मेरा ससुराल वाला घर भी है। तो ये दो जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने आपको दे दिया है, बाकी एक दो क्वेश्चन और है, मैं रोज वीडियो बनाऊंगी और उनका भी आंसर दे दूंगी, और लगातार वैसे मैं उनको रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो पूरा दिन हमने इंजॉय कर लिया है भाई, खाने में मैंने आज सब्जी बना रखी है जो कि क्या ही बताना, यहाँ पे चावल रखे हुए हैं और साथ में मैंने रोटी भी बना दी है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ जो न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।